नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जूही। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। पॉक्सो कोर्ट हनुमानगढ़ ने आज अपने एक अहम फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि अभियुक्त अरुण घर के बाहर कचरा डालने गई नाबालिग को अपने कार में कई स्थानों पर लेकर गया और पिस्तौल की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में 28 नवंबर 2020 को गोगामेड़ी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने आज अभियुक्त अरुण को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 1,55,000 रुपए जुर्माना भी लगाया। नाम अरुण उर्फ अरुण में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 27/11/20 को पीड़िता घर से बाहर कचरा डालने गई तो अरुण उर्फ अरुण उसे डिजायर गाड़ी में डालकर भादरा ले गया। वह भादरा से नरड़पीर ले गया, वहां पर बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। 7 दिन तक लगातार उसके साथ बलात्कार किया। इसी दौरान 28/11/20 को पिता पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया गोगामेड़ी थाने में, जिस पर पीड़िता 7 दिन बाद उसे नरड़पीर से दस्तयाब करके लाई, जिसमें अभियोजन ने कुल 11 गवाह और 33 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें विभिन्न धाराओं में जो मान्य न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376(2)(n)/5(l/6) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना व अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376(3)(3)/4)(ब्रैकेट में सेकंड) के तहत 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। जानकारी के मुताबिक देश के कई एयरपोर्ट को धमकी भरे मेल मिल रहे हैं। जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भी धमकी भरे मेल मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट को बम से उड़ा दें। एपीओ किए गए दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मल धाका और पटवारी हंसराज को नोटिस देकर पूछताछ के लिए एसबी मुख्यालय बुलाया जाएगा। वहीं पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी नेता राघव चड्ढा के खिलाफ कथित तौर पर झूठी खबर फैलाने के आरोप में लुधियाना पुलिस ने एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 11 अगस्त 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित किया गया। अपने सस्पेंशन को समाप्त कराने के लिए और फिर से सदन के भीतर जाकर आपकी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जी हां, न्याय के मंदिर टेंपल ऑफ जस्टिस जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्भ में जो मैंने याचिका दायर करी थी उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई। जी हां, आज संसद भवन के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरी सस्पेंशन को खत्म किया गया। करीब करीब 115 दिन तक मुझे सस्पेंड रखा गया। 115 दिन तक मैं आपकी आवाज संसद के भीतर जाकर नहीं उठा सकता। आम आदमी पार्टी के ट्रांसजेंडर विंग ने दिल्ली में जेल का जवाब बोर्ड से अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे और पार्षद बॉबी किन्नर अभियान में शामिल हुए। सुनीता केजरीवाल ने दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर मुलाकात की। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि केजरीवाल से जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज पश्चिम बंगाल का दौरा किया। लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में कोलकाता में एक रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना लिया। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक के सरकारी खजाना खाली कर दिया। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। सरकार में रहते हुए देश को लूटना है, उसे क्या आप इतने बड़े देश की जिम्मेवारी दे सकते हैं? मेरा सवाल अगर आप समझ सके तो जवाब देना। जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस का इतिहास,
देश को लूटने का रहा है। क्या ऐसी कांग्रेस के हाथ में अब हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस के हाथ में देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है वो उनके पापों के कारण बनी है। आज खबर दिन भर में सिर्फ इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।